हाय गाइस, अगर आपको वीडियो गेम्स का शौक है तो आपने GTA वाइस सिटी तो ज़रूर खेला होगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइस सिटी के लीड हीरो टॉमी वर्सिटी के बारे में, कि गेम के बाद उसका क्या हुआ और GTA यूनिवर्स में टॉमी वर्सिटी सब कहाँ है, क्या वो ज़िंदा है या और ही इज़ डेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉमी की बैक स्टोरी पे। सो गाइस, टॉमी वर्सिटी की बर्थ हुई थी 1951 में लिबर्टी सिटी में। यंग एज से ही वो क्राइम वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गया था और शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि उसके दुश्मनों ने उसे मारने के लिए 11 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजे थे, पर टॉमी वर्सिटी ने उन सभी को मार दिया, जिसकी वजह से उसे ईयर 1971 में 15 साल फेडरल जेल में गुजारने पड़े। 1936 में रिहा होने के बाद उसे वाइस सिटी भेज दिया गया, जहाँ से हमारे गेम की शुरुआत हुई है। हिसाब लगाएंगे तो इस हिसाब से उसकी एज लगभग 35 ईयर्स रही होगी। सो गाइज, गेम के एंड में हम लोग ये देखते हैं कि टॉमी वर्सिटी वाइस सिटी का बेताज बादशाह बन चुका है और कैन रोजनबर्ग को अपना लॉयर बनाकर पुराने शहर को कंट्रोल कर रहा है। गाइज, उसके बाद GTA के अगले इंस्टॉलमेंट जो कि था GTA सैन एंड्रियास, वो जो सेट हुआ था वो था ईयर 1992 में। उस गेम में भी हमको कई जगह डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है टॉमी वर्सिटी का। सैन एंड्रियास में हमारी मुलाकात दोबारा होती है कैन रोजनबर्ग और कैंट पॉल से, जो आप लोग जानते होंगे वाइस सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो इस गेम में हमको ये पता चलता है कि कैन रोजनबर्ग और टॉमी वर्सिटी के बीच में रिलेशन अब उतना अच्छा नहीं रहा। इसका रीज़न ये पता चलता है कि कैन रोजनबर्ग जो था वाइस सिटी के बाद, गेम सेट होने के बाद, एक ड्रग एडिक्ट हो गया था और उसको ठीक होने के लिए, रिहाब के लिए टॉमी वर्सिटी ने उसे सैन एंड्रियास भेज दिया था। उसका एडिक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन टॉमी वर्सिटी ने उससे अपने सारे रिलेशन ख़त्म कर लिए। इसकी जानकारी हमको मिलती है GTA सैन एंड्रियास के DVD के इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैन रोजनबर्ग टॉमी वर्सिटी की सेक्रेटरी को कॉल करेगा, पर सेक्रेटरी जो है उसको टॉमी वर्सिटी से बात किए बगैर ही फ़ोन काट देगी। तो इससे हमको ये अंदाज़ा मिलता है कि यह 1992 तक भी टॉमी वर्सिटी वाइस सिटी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ही इज़ अलाइव। उसके बाद GTA सैन एंड्रियास के एक मिशन मीट बिजनेस में भी कई जगह एक डायलॉग होता है जहाँ पे कैन रोजनबर्ग टॉमी वर्सिटी का नाम लेता है। गाइस, इसके बाद भी GTA के फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में भी टॉमी वर्सिटी का कई जगह हिंट है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो GTA 4 में भी हमें मैप में बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे आपको दीवारों पर ये राइटिंग मिलेगी जिसमें लिखा रहता है RIP टॉमी। RIP मतलब रेस्ट इन पीस, जो कि डेड लोगों के लिए लिखा जाता है। उसके बाद और कई जगह थी जहाँ पे GTA के जो बाकी प्रोटैगनिस्ट है उनका भी जिक्र था, जैसे RIP कार्ल जॉनसन जो सैन एंड्रियास का मेन हीरो था, RIP क्लॉड स्पीड जो कि GTA 3 का हीरो था, RIP विक्टर। तो ऐसे करके कई जगह पे ऐसा है। इसकी क्लिप अभी आपको देखने को मिलेगी। और गाइज, GTA 4 जो कि सेट हुआ था ईयर 2008 में, उसमें भी ये रेफरेंस है टॉम यूनिवर्सिटी का। सो गाइज, आप लोग इस जगह पर देख सकते हैं दीवार पे इंस्क्रिप्शन विक्टर वेंस, जो कि GTA के एक DLC का हीरो है। उसके बाद क्लॉड स्पीड जो GTA 3 का हीरो है, आप देख सकते हैं RIP रेफरेंस है। लेकिन ये लोग ये समझने लगे थे कि शायद GTA के सारे हीरोज डेड हो चुके हैं, लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने रिसेंटली ही इस बात को रबिश करा दिया था और कहा था ये जो राइटिंग्स GTA 4 में मिली थी ये टोटली एक जोक था हाँ फैंस के लिए। तो लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉमी वर्सिटी वॉज स्टिल अलाइव टिल GTA 4। और गाइस, GTA 5 में भी कई जगह आपको बैनर्स दिखेंगे चेरी पॉपर के। अगर आपको याद हो, चेरी पॉपर वो आईसक्रीम की कंपनी थी जो टॉमी वर्सिटी GTA वाइस सिटी में खरीदता था, जिसका वो मालिक बन जाता है। और इसके अलावा भी सनशाइन ऑटोज का भी रेफरेंस है GTA 5 में। सो गाइज, दिस वॉज माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।